किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सिटीज फार्मिंग। तो देखिए किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड, यानी कि आप लोगों के खेत में अगर कोई भी खरपतवार होते हैं तो आप उन लोगों को कैसे आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। ये नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड का मतलब ये होता है किसान भाइयों कि यह है आपके घास के साथ साथ फसलों को भी मार देगी। तो इसका प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब बहुत बड़ी मात्रा में, यहाँ पे देख सकते हैं फील्ड में घास लगी हुई है, यहाँ बंड पे भी घास लगी हुई है, तो हम लोग इसी में इसका प्रयोग करेंगे। तो बहुत ज़्यादा अगर घास फूस यानी कि खरपतवार लगे रहते हैं और उसको निराई गुड़ाई करने में कठिनाई होती है, तब जाके हम लोग नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि ये जो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, तो देखिए ये टाटा प्रोडक्ट ग्लाइटॉफ हर्बिसाइड के नाम से लिखा हुआ है, इसको ग्लाइफोसेट भी बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ग्लाइफोसेट 41% SL। तो इसकी कीमत की हम बात करते हैं तो इसकी कीमत आप लोग देख सकते हैं 934 रुपये हैं। तो मार्केट में आप लोग इसको कभी भी लेने जाएं तो ये सावधानी रखें कि इन दवाओं पे बहुत ही ज़्यादा मार्जिन होती है। यह आप लोगों को अगर अच्छी ठीक ठाक दुकान से यानी कि होलसेलर से लेते हैं तो यह दवा आप लोग को 450 से लेकर के 500 में मिल जाएगी। अगर कोई किसान भाई नहीं पा पाता है तो अगर लेने के इच्छुक होंगे तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, हम अपने इस वीडियो के इंस्टाग्राम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, जिसके माध्यम से आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से किसान भाइयों, आप लोग ग्लाइफोसेट दवा का प्रयोग करके अपने अपने फार्म पे उगे हुए खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। अब आइए दिखाते हैं हम आप लोगों को इसको घोल बना करके, जैसे ये 15 लीटर में 200 ml पड़ता है, तो यहाँ पर अभी हम घोल करके अभी दिखाते हैं, स्प्रे करते हैं, फिर आप लोगों को 3 दिन बाद इसका रिजल्ट दिखाते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पे हम दवा का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो मेजरिंग फ्लास्क है ये 120 ml का है, तो इसे हम लोग 2 बार इसमें डालेंगे। देखिए ये 120 ml हो गया, यानी कि ये 1 लीटर का है, तो इसमें हम लोग 4 टंकी में यानी कि 250 ml पर टंकी यूज करेंगे। तो हम 120 ml डाल चुके हैं, ये दूसरा डोज डालना है इसमें। अब देखिए ये 250 ml इसमें हो गया, अब इसका हम लोग स्प्रे करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग टंकी में दवा डाल के किसान भाइयों घोल सकते हैं, या तो आप लकड़ी के माध्यम से इसको घोल सकते हैं। इस तरह से पूरी दवा मिल जाएगी, उसके बाद आप लोग स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि अगर घोलते नहीं हो तो शुरू में दवा मिले नहीं रहेगा तो कहीं पर काम करेगा कहीं पर नहीं काम करेगा। तो यहाँ पर हम इसको अच्छी प्रकार से मशीन की ही सहायता से घोल ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये दवा का स्प्रे स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे जो सूखी घास थी उसको हम लोग जला दिए हैं और यहाँ पे अब स्प्रे का काम चालू हो गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा ही मात्रा में घास थी, इसीलिए हम लोग दवा का प्रयोग कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इसका वीडियो किसान भाइयों हम आप लोगों को 3-4 दिन बाद बना के दिखाएंगे कि कैसे ये काम किया है। देख लीजिए आप लोग, ये हरी भरी घास है, तो इसका हम वीडियो अवश्य डालेंगे इसका रिजल्ट आप लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है किसान भाइयों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी हो तो हमारे इस YouTube चैनल सिटीज फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले नए वीडियो की जानकारी आप लोगों को टाइम टाइम से मिल सके।